यहाँ पे आपका बाटा का इनोग्रेशन किया जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बाटा मतलब बाटा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारा लोगों को अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया पर्सनल्स एंड एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल्सो हम लोग का जो ऑनरेबल मिनिस्टर था वो भी अटेंड किया गया है, तो थैंक यू एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ब्रीफ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ हागेताई एंड आई एम सन ऑफ हागेताना ओपी एंड आई एम प्रोप्रिएटर ऑफ एलटीएम एंटरप्राइज एंड बेसिकली वी आर ए फैमिली रन बिजनेस एंड द ओनर ऑफ दिस शोरूम। तो अभी जब हम बाटा के बारे में कुछ आपको बताना चाहेगा तो पब्लिक ये जानना चाहिए कि जो ये बाटा है एक लोकल ब्रांड है, होम ब्रांड है, जो कि 1960s और 70s के समय में रिवाइज करके नाम जो बाटा से बाटा इंडिया नाम चेंज कर जाता है। तो ये अभी टोटली मतलब ये वो है होम ब्रांड है और बाटा नाम तो ऑलमोस्ट हर कोई फेमिलियर है नाम से, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जैसे सर भी बोला कि सबसे पुराना है और लीडिंग ब्रांड है फुटवेयर में और इंटरनेशनल में ओवर 70 कंट्रीज़ में मोर देन 5000 आउटलेट्स ऑपरेट करता है। और जब इंडिया का बात करेगा तो इंडिया में जो है मोर देन 1300 आउटलेट्स है पैन इंडिया अक्रॉस। तो ये जो नंबर्स है बहुत ह्यूज है और दूसरा जो फुटवेयर ब्रांड है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो एक लीडिंग ब्रांड है ये और इन अदर वर्ड कहा जाए तो इंडियन फुटवेयर ब्रांड का बादशाह है बाटा। तो और एक इम्पोर्टेंट बात है ये भी जानना चाहिए कि जो बाटा में जो है कुछ रिवोल्यूशन आया था और जो वो है कि कुछ कुछ रिवाइज किया गया, कुछ चेंजेस किया गया उसका प्रोडक्ट्स में किया है, कंपनी में किया है। तो जो पहले हम लोग का जो कस्टमर्स था जो बाटा का, तो वो उसका जो क्वालिटी को लेके पसंद करता था, तो पहले इंडिया में बहुत पसंद किया था बाटा को, तो इसीलिए बहुत ग्रो किया। तो वही जो लीगेसी है उसका जो क्वालिटी है वो सबको फॉलो करते आया गया और आज को जो न्यू जनरेशन फुटवेयर है उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज इक्विप किया गया और जो वो न्यू टेक्नोलॉजीज है जैसे कि उसमें कुछ मेमोरी फोम होता है और उसमें एंटी ओडोर है, एंटी बैक्टीरियल है जो बेड स्मेल आने नहीं देगा। फिर जो मेमोरी फोम है वो आपका कंफर्ट देता है ऑल डे लॉन्ग, तो जितना से जितना चाहे मतलब वो उसको पहन सकता है। तो ऐसा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया गया है, तो दैट्स वेरी गुड। और डिज़ाइन का बात करेगा तो आई पर्सनली फील कि हाँ कैचिंग डिज़ाइन है, अट्रैक्टेबल है और ओवरऑल फैशनेबल है, एग्जैजरेट नहीं करेगा। हाँ मैं हमको तो अच्छा लगा है। और जो प्राइस का बात करेगा सबसे अट्रैक्टिव यहाँ प्राइस है। ये जो प्राइस है कंपेयर टू अदर जो फुटवेयर ब्रांड है बहुत अफोर्डेबल है और रीजनेबल है। आपको अगर कोई भी स्टोर में अगर जाओ, हाँ कई शोरूम में जाओ, 5-6000 तो एक शू में ऐसा लग ही जाता है, तो वो उनका वो अपना प्रीमियम चार्ज है। बट जो ये बाटा का जो प्रोडक्ट है ये भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट है ये आपको देता है अराउंड स्टार्टिंग 1-2000, तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस है प्राइस में, तो ये बहुत अच्छा है, पॉकेट में भारी नहीं पड़ेगा। एनी डे जब भी लेना चाहेगा हाँ ले सकता है, ऐसा प्रोडक्ट्स है। और हम लगता है कि ये एवरी क्लास जो जीरो में जितना वर्किंग पीपल है एवरी क्लास ये अफोर्ड कर पाएगा। थैंक यू। हाँ लोकल जो बेनिफिट्स है वो नॉट ओनली ये यहाँ लोकल बट जो होल जो लोअर सुबनसिरी है सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो इसका वास्ट कलेक्शन है तो ये एक वन स्टॉप ये स्टोर है आपका फैमिली लोग के लिए। तो आइए और ऐसा मतलब एनर्जी टाइम इतना मतलब वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वहाँ मार्केट जाएगा ये करेगा, तो वन स्टॉप स्टोर है। आओ एवरी फुटवेयर अवेलेबल होगा जितना एक फुटवेयर स्टोर को रखना चाहिए। और ये जो खास करके जो ये हम लोग का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीइंग हेडक्वार्टर जीरो तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ आता है, शॉपिंग करने आता है, पढ़ाई करने आता है, बहुत सारा चीज़ के लिए आता है, तो वो लोग के लिए भी ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। और एक बात है कि
जो ये मार्केट है यहाँ थोड़ा ब्रेंस थोड़ा सर्वाइव करने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, ये विटनेस किया गया है। जीरो में थोड़ा सर्वाइव करने थोड़ा चैलेंजिंग है, तो पर बात ये चैलेंज को लेके आज सेटअप किया है आपने स्टोर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उम्मीद करता है कि जितना भी यहाँ का पीपल का नीड्स है उसको ज़रूर फुलफिल करेगा। थैंक यू। मेरा नाम नामियानो है और मैं ये बाटा स्टोर का मैनेजर हूँ, और वही हम लोग का जो फुटवेयर है उसका साथ एक्सेसरी हम लोग अवेलेबल यहाँ मिल जाए, जैसे कि नॉन फुटवेयर उसको नॉन फुटवेयर बोलते हैं, जैसे कि हो गया सॉक्स हो गया देन बेल्ट फॉर मैन एंड यूथ के लिए होता है, उसका जो बैग फैक है, देन हम लोग का प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट क्लीनर भी होता है, जैसे कि लेदर क्रीम हो गया और कैनवस शू का वाइटनर हो गया, ये सब मिलेगा आपको अवेलेबल यहाँ। देन आपको ये भी मिलेगा कि हम लोग का साथ क्लच भी है, क्लच मनी पर्स, देन लेडीज हैंड बैग होगा, ये सब आपको पूरा मिलेगा आपको यहाँ पे। और बहुत छोटा मोटा बहुत भी है, जैसे कि नेल कटर हो गया, शू होल्डर हो गया, ये सब पूरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये ऐसा देखा जाता है कि जितना भी प्राइवेट होता है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आपका यहाँ पे जो जो आइटम है तो इसका प्राइस थोड़ा रिजनेबल जो ताकि मिडिल क्लास भी यूज़ कर सकने के लिए ऐसा कुछ आइटम है? जी बिल्कुल है सर, हर ब्रांड का अपना प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होता है, तो बाटा तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं ये कहना चाहूँगी, तो ये रिजनेबल है एंड अफोर्डेबल है, हर कोई इसको खरीद सकता है। सबसे दामी वाला आइटम कितना है और सबसे लोएस्ट वाला कितना है? सबसे दामी वाला आइटम आपको एम्बेसडर में मिलेगा, हस पापिक ब्रांड में मिलेगा, और उसका मकशिन ये सर देगा, और एक है सॉल वो भी अच्छा है और वो भी ब्रांडेड है, वो हाई प्राइस है, लेकिन उसमें मतलब वो भी अफोर्डेबल है ऐसा बोला जाए तो दूसरा का कंपेयर में, इसको वही अफोर्डेबल है। कितना है उसका जो आपका सबसे हाईएस्ट? सबसे हाईएस्ट प्राइस है आपका 2,999, यानी कि 3,000 का आसपास, वही सबसे हाईएस्ट है। लोएस्ट में होगा आपका 150 तक भी आ जाता है लोएस्ट जी।